सी एज को, कौन से एज डिफरेंस को हम टीन एज या फिर एडोलेसेंस बोलते हैं, इसको तूफानों की अवस्था के नाम से भी जानते हैं। आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को, आगे वैसे क्वेश्चन आएगा भी। एडोलेसेंस 11 से 18, 13 से जय हिंद, वेलकम टू विजयपथ एजुकेशन पालमपुर। एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक बार फिर से हिमाचल टेट के एग्जाम के लिए साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो कि आपके डिफरेंट टेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे कि हिमाचल टेट है, जेबीटी टेट है, सी टेट है, जिसमें साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। और ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर डिपेंडेंट रहेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे प्रीवियस ईयर में 2012 से लेके 2024 तक के जो पुराने पेपरों में साइकोलॉजी के सेक्शन के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको हम स्टार्ट करेंगे। डेली शाम 8 बजे आपको हमारे इस चैनल के ऊपर ये क्लास आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, बाइलिंगुअल रहेंगे, विकास शब्द में डैश निहित है, यानी कि डेवलपमेंट जो वर्ड है वो क्या इंप्लाइज करता है, यानी कि किस पर्पस के लिए उसका बेसिकली यूज होता है, सिर्फ स्ट्रक्चरल चेंज के लिए। नेक्स्ट है प्रोसीजरल चेंज के लिए, या फिर बोथ स्ट्रक्चर और प्रोसीजरल चेंज के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपका एचपी टेट आर्ट्स के एग्जाम में 2016 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ड जो डेवलपमेंट है, ये जो शब्द है डेवलपमेंट, ये क्या इंप्लाइज करता है, किस चीज के लिए बेसिकली इसका यूज किया जाता है। तो ये स्ट्रक्चरल और प्रोसीजरल चेंज दोनों के लिए यूज किया जाता है। डेवलपमेंट जब किसी चीज की होती है, जैसे हम बोलते हैं ऑलराउंड डेवलपमेंट, यानी कि उसका सारी चीजें जो है वो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस की हो रही है, अपडेट हो रही है, वो चेंज हो रही है, तो उसमें इसमें स्ट्रक्चरल चेंज भी आता है, उसके साथ साथ प्रोसीजरल चेंज भी उसमें काउंटर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विकास के विषय में सही वक्तव्य आपको चुनना है, यानी कि डेवलपमेंट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है, ये आपको बतानी है। सबसे पहला है विकास एक दिशीय और एक आयामी होता है, यानी कि ये सिंपल एक वन डायमेंशनल है, और उसके साथ साथ हाँ वन डायरेक्शनल और वन डायमेंशनल की बात की गई है। उसके बाद ये वेरिएबल की बात की गई, यानी कि हमेशा चेंज होता रहता है, परिवर्तनीय है। उसके बाद है कि विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता से योजनाबद्ध होता है, यानी कि कंप्लीटली प्लान किया जाता है, किससे, हेरिडिटी से, यानी कि जो माता पिता के गुण हमें मिलते हैं, बच्चों को जो गुण मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ वहीं से ये डायरेक्ट रिलेट करता है। सभी व्यक्ति एक ही आयु में गति से विकास के पड़ावों को प्राप्त करते हैं, यानी कि जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लोग हैं, उन सभी का जो डेवलपमेंट की जो स्टेज होती है वो हर किसी के लिए सेम टू सेम होती है, क्या ऐसा है या फिर नहीं, ये आपको बताना। तो ये क्वेश्चन आपका एचपी टेट 2018 में पूछा गया था, और ये आपका जेबीटी के एग्जाम का क्वेश्चन रहेगा, 1-5 यहाँ पे लिखा गया है। जेबीटी के पेपर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, क्योंकि विकास जो है वो परिवर्तनीय है, ये चेंजेबल है, वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान में चेंज होते रहना, मतलब हमेशा गतिशील रहना। तो डेवलपमेंट क्या है, हमेशा गतिशील है, जैसे मैं आपके सामने हूँ, ठीक है, एक साल के बाद मेरे में क्या आ जाएगा, चेंज आएगा, चाहे वो लैंग्वेज का चेंज हो, बॉडी स्ट्रक्चर का चेंज हो, ठीक है, आपके मेथड्स चेंज हो सकते हैं। तो किसी भी चीज में, चाहे बॉडी पार्ट हो, ठीक है, फिजिकल है, मेंटली है, ये हर किसी चीज में क्या होता है, डेवलपमेंट पार्टिसिपेट करता है, यानी कि चेंज होना ही हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट को बोलते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है, यानी कि ग्रोथ मीन्स इंक्रीज, क्या इंक्रीज होती है, ठीक है जी, ग्रोथ में हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं कि उसमें क्या चीजों को इंक्रीज किया जाता है, ठीक है, यानी कि डेवलपमेंट जब किसी पर्सन की होती है तो उसमें किन किन चीजों में जो है वो इंक्रीज इंक्रीमेंट की जाती है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ज्ञान बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है, सिर्फ इमोशन बढ़ते हैं, संवेग, इमोशन या फिर संवेग का मतलब होता है कि हमारा जैसे देखने का नजरिया है, हम कैसा फील करते हैं, ठीक है, वो हमारे इमोशंस हैं। उसके बाद वजन में वृद्धि, यानी कि वेट बढ़ता है, या फिर उसका साइज, थिंकिंग या फिर अंडरस्टैंडिंग स्किल में जो है वो इंक्रीमेंट आती है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे 2019 में पूछा गया, और एक बार टीजीटी का जो आपका एग्जाम है, ठीक है, नॉन मेडिकल का, उसमें नवंबर 2019 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, क्योंकि
जब डेवलपमेंट की बात की जाती तो उसमें फिजिकल के साथ साथ मेंटल को भी एनहांस किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, महीने की परिपक्वता में बच्चा पहला कदम चलने लगता है, ठीक है, कब वो पहला कदम चलता है आपसे पूछा, क्योंकि साइकोलॉजी का सेक्शन इतना आसान भी नहीं है जितना हम पेपर में सोचते हैं। कुछ ना कुछ तो एक सब्जेक्ट है, 30 मार्क्स है, तो अगर इतना आसान होता तो 30 में से 30 आ जाते, फिर इतना आसान भी नहीं है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो कमी जो है वो साइकोलॉजी में भी हमारी रह जाती। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर से करेंगे तो हमेशा 25+ क्वेश्चन जो है वो आप यहाँ पे अपने आंसर लेके आएंगे। तो आपको बोला कि कितने महीने में बच्चा मैच्योर होता है, जब वो पहला कदम जो है वो रखता है, जब वो 5 से 6 महीने का, 10 से 12 महीने, 4 से 5 महीने और 0 से 12 महीने। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, 10 से जब 12 महीने का बच्चा होता है तभी वो जो है वो अपना पहला कदम रखता है, यानी कि उसको इतना इतना मैच्योरिटी उसके अंदर आ जाती कि इतना कॉन्फिडेंस आ जाता कि मैं अपना एक कदम जो है वो वहां पे रख सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली प्रमुख ग्रंथि कौन सी है, द मेन ग्लैंड दैट इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो हमारे डेवलपमेंट को क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा, 2021 का लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, इसका राइट आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। जर्नल साइंस में भी ये क्वेश्चन आपसे जो है वो पूछा जा सकता है, बायो के सेक्शन में, मेडिकल की उस फॉर्म में भी आपसे, मेडिकल के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा आपके लिए, विकासात्मक कार्य किसने प्रचलित किया था, विकासात्मक कार्य किसने प्रचलित किया था, Who proposed the developmental work? किसके द्वारा विकासात्मक कार्य प्रस्तुत किया गया था, उसने बताया था। सबसे पहला है गेसल, फिर है हरलोक, फिर है हेबिंगहर्स्ट और उसके बाद है पैब्लो। पैब्लो की थ्योरी आपसे पेपर में पूछी जाती है, ये भी आपका 2019 का क्वेश्चन रहेगा। ये सारे जितने क्वेश्चन है वो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हम यहाँ पे लेके आए हैं। तो सबसे पहले डेवलपमेंट वर्क के ऊपर जो काम किया था वो था हेबिंगहर्स्ट। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैदा होने से पहले का विकास मुख्य तौर पर बांटा गया है, यानी कि अब जब बच्चा पैदा नहीं हुआ है तो उससे पहले का उसका विकास हो चुका है, जब वो अपनी मदर के पेट में है 9 महीने तो उसका विकास हो चुका है, उसका माइंड जो है वो बन चुका है, उसकी लेग्स बोन्स जो है वो डेवलप हो रही है, डिवेल्प हो रही है। तो उसको किन दो पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया जाता है, एक मुख्य रूप से किन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि वो सिर्फ बैक्टीरिया में डिवाइड होता है, वो सिर्फ भ्रूण अवस्था में होता है, भ्रूणिक अवस्था में होता है, ठीक है, या फिर उपरोक्त सभी। ये आपको यहाँ पे बताना क्या राइट आंसर आएगा। जून 2021 का ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी रहेगा, क्योंकि बच्चा जो है वो एक बैक्टीरिया के फॉर्म में भी उसको देखा जा सकता है, भ्रूण अवस्था में भी उसको हम चेक कर सकते हैं, और भ्रूणी अवस्था में भी उसको जो है वो मुख्य रूप से उसके विकास को बांटा जाता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वर्ष की समाप्ति पर एक शिशु का शब्द ज्ञान कितना होता है, यानी कि जब बच्चा लगभग 2 साल का हो जाता है, 2 साल का हो जाता है, तो वो अपने उस 2 सालों की अवधि में, उस टाइम पीरियड में लगभग कितने शब्द जो है वो सीखता है, ये आपसे पूछा गया है। ये 2013 का क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है, और ज्यादातर आपको पता है कि हिमाचल टेट के जितने भी एग्जाम आपके होते हैं, चाहे वो आपका मेडिकल टर्म का हो, ठीक है, आपका नॉन मेडिकल टर्म का है, आर्ट्स का है, या फिर आपका JBT का है एग्जाम, टेट आपका संस्कृत का है, शास्त्री का है, तो जितने भी एग्जाम आपके टेट के होते हैं ज्यादातर उसमें क्वेश्चन साइकोलॉजी के या GK के रिपीटेड फॉर्म में आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ये नॉलेज जो है वो 101% आपका पूरा किया जाएगा, 150 वर्ड जो है वो बच्चा लगभग 2 सालों में सीखता है। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक को किस आयु तक शिशु कहा जाता है। देखिए साइकोलॉजी इतनी आसान भी नहीं है जितना हम सोचते हैं, हम यही बोलते हैं कि बच्चा जो है उसको हम शिशु बोल सकते हैं, लेकिन किस एज तक हम बोलते हैं, साइकोलॉजी में थोड़ी चीजें डीपली आपको पढ़नी पड़ेंगी, किस एज तक चाइल्ड को हम इन्फेंट बोल सकते हैं, यानी कि शिशु हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे है आपके पास जन्म से वाचन शुरू होने तक, यानी कि जब बच्चे का जन्म हुआ तब से लेके जब वो रीड करना स्टार्ट कर देता है तब तक, या फिर जन्म से लेके 3 साल तक,
उसके बाद जन्म से लेके 5 साल तक या जन्म से लेके 6 साल तक। ये आपका एचपी टेट आर्ट्स नवंबर 2019 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहां पे रहेगा, लगभग 3 साल तक, जन्म से लेके 3 साल तक। ये हर किसी बुक्स में आपको डिफरेंट मिलेगा, तो लगभग एवरेज एक फॉर्मेट हम लेके चले तो लगभग 3 साल तक बालक को जो है वो शिशु कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु कितनी है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का मतलब होता है प्री प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन में हम काउंट करते हैं जब बच्चा कहाँ चला जाता है, स्कूल चला जाता है। प्राइमरी एजुकेशन का मतलब स्कूल, जब वो एक क्लास से कहां तक पढ़ता है, 5th क्लास तक पढ़ता है। प्री प्राइमरी एजुकेशन का मतलब होता है जो शिक्षा उसको घर में दी जाती है। तो आप खुद एक चीज आप देखिए, जब स्कूल में बच्चा जाएगा 1st क्लास में जब होगा तो लगभग उसकी एज कितनी होगी, 5 या 6 साल। क्योंकि हिमाचल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि मिनिमम एज जो स्कूल जाने की रख दी है वो 5.5, पहले उसको 6 साल रखा था, उसको घटा के 5.5 साल कर दिया है। तो आप देख सकते हैं प्री प्राइमरी एजुकेशन कहाँ मिलेगी, उसको घर में मिलेगी। तो घर में जब बच्चा सबसे छोटा होगा, 2 से लेके 6 साल या 5.5 साल का बच्चा जो है उसको प्री प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि उसकी एजुकेशन उसके माता पिता करेंगे। उसके बाद जो एजुकेशन है वो कहाँ उसको मिलेगी, वो उसको मिलेगी स्कूल में। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा था? यानी कि कौन से ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये कहा कि इन्फेंसी एज जो है, यानी कि जब बच्चा शैशवावस्था में है, इन्फेंसी एज में है, तब वो लर्निंग का एक गोल्ड पीरियड माना जाता है, गोल्डन टाइम जो है वो कहा जाता है, आइडियल पीरियड उसको कहा जाता है। तो किसने कहा था? रूसो ने, स्टेनली होल ने, स्टेंग ने या फिर वैलेंटाइन ने? ये क्वेश्चन आपका 2014 में एचपी टेट आर्ट्स में आपसे पूछा गया था। तो ये एक स्टेटमेंट है, एक डेफिनेशन है जिसमें कहा गया कि शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल जाना जाता है, ये कहा था वैलेंटाइन ने। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। जो हमारी अभी तक 1st क्लास हमारी हुई है उसमें भी मैंने आपको सेम टू सेम चीजें ऐसे आपको बताई है, जिसमें हमारी जो डेफिनेशन रिलेटेड स्टेटमेंट्स जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पे पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में। नेक्स्ट है, उत्तर बाल्य अवस्था को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? इनकी लेट चाइल्डहुड। देखिए, चाइल्डहुड नॉर्मल लैंग्वेज में यानी कि बच्चा छोटा है, लेटर चाइल्डहुड, ठीक है जी, आफ्टर चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, साइकोलॉजी में हर किसी के मीनिंग जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। तो लेट चाइल्डहुड के नाम से हम किसको जानते हैं? गैंग एज को, एज ऑफ क्यूरियोसिटी, साइको डेवलपमेंटल स्टेज, या फिर उसके बाद है स्पॉन्टेनिटी स्टेज। ये आपका 2018 का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो उत्तर बाल्य अवस्था को हम जानते हैं गैंग एज से। गैंग एज का मतलब होता है जब बच्चे जो है वो अपनी गैंग बनाना स्टार्ट करते हैं, अपने यार दोस्त में रहना जो है वो पसंद करते हैं, तो गिरोह अवस्था उसको हम बोलते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौनों की आयु कौन सी अवस्था को कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अभी लेटेस्ट जो आपके एग्जाम 2023-24 में हुए हैं वहां पर भी ये सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। अभी आपका जो लास्ट एग्जाम हुआ नॉन मेडिकल का भी आर्ट्स में, उसमें भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विच स्टेज इज नोन एज एज ऑफ टॉय। टॉय, एज ऑफ टॉय के नाम से हम किसको जानते हैं, खिलौनों की अवस्था किससे जानते हैं, ठीक है जी। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा वो है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। तूफानों की अवस्था भी कई बार आपसे पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था में शारीरिक, मानसिक और व्यक्तित्व का मूलभूत विकास होता है? विच स्टेज द बेसिक डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड पर्सनैलिटी टेक्स प्लेस। ऐसी कौन सी अवस्था जब बच्चे के अंदर फिजिकल डेवलपमेंट होती है, बच्चे का आकार बढ़ने लगता है, हाइट उसकी बढ़ने लगती है, वजन बढ़ने लगता है, मेंटली भी वो जो है वो अच्छे ढंग से अपना काम करता है, मेंटली वो डेवलप हो जाता है, और उसकी पर्सनैलिटी जो है वो भी जो है वो निखर के आती है, ठीक है। तो वो कौन सी अवस्था है? एडल्टहुड, चाइल्डहुड, किशोर अवस्था, ठीक है, एडोलेसेंस जिसको बोलते हैं, या फिर इन्फेंसी स्टेज। ये सेप्टेम्बर 2017 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो वो स्टेज होती है चाइल्डहुड स्टेज, जब बच्चे का शारीरिक, मानसिक और व्यक्तित्व मुख्य रूप से तीनों में जो है वो विकास हो जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लज्जा और गर्भ का भाव किस दशा में विकसित होता है? लज्जा और गर्भ, यानी कि ऐसी कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चे को शेम और प्राइड का भाव पता चलता है? अगर अच्छा काम करेगा तो उसको क्या मिलेगी? उसको गर्व महसूस होगा, उसको प्राइड मिलेगा, ठीक है, उसको गिफ्ट रिवॉर्ड मिलेगा, और शेम यानी कि गलत काम करेगा तो उसको ऐसा फील होगा कि मैंने कुछ गलत काम किया, उसको जो है वो ऐसा शेम जैसा जो है उसको फील होगा। तो कौन सी स्टेज में वो विकसित होता है? इन्फेंसी, एडोलोसेंस, या फिर चाइल्डहुड, या फिर है यौवन अवस्था। ठीक है, तो ये आपका 2013 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। इसका राइट आंसर भी आपके पास बाल्य अवस्था रहेगा, यानी कि चाइल्डहुड स्टेज एक ऐसी स्टेज है जिस स्टेज में बच्चे को पता चल जाता है कि मेरे को अगर अच्छा काम मैं कर रहा हूं तो मेरे को गिफ्ट मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, मेरे को गर्व महसूस करना है, और जब मैं अगर कोई गलत काम कर रहा हूं तो फिर उसको जो है वो वहां पे एक लज्जा जो है वो महसूस होगी, शेम एंड प्राइड स्टेज। नेक्स्ट है, बालक द्वारा लंबे समय तक रोने पर भी पिता द्वारा खिलौने ना देने का परिणाम क्या होगा? यानी कि कोई एक छोटा सा बच्चा है वो काफी लंबे समय तक जो है वो रो रहा है और उसके जो फादर हैं वो उसको फिर भी खिलौना जो है वो नहीं दे रहे। कई बार बच्चे क्या होते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, बोलते हैं कि हमें यही चीज लेनी, यही चीज लेनी है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको वो चीज लेके देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कि उसके पेरेंट्स जो है उसको वो चीज नहीं दे रहे, तो ठीक है, तो आप उसको क्या, कौन सी स्टेज जो है वो यहाँ पे बताएंगे? ठीक है, क्या रिजल्ट आप बताएंगे? रिग्रेशन है, ठीक है, विलोपन है यानी कि भूल जाना, ठीक है, इग्नोर कर देना, सामान्यीकरण की जनरलाइजेशन मतलब ऐसा ही होता है, विभेदीकरण यानी कि डिफरेंशिएट कर देना, ठीक है, ये 2018 में आपसे क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, रिग्रेशन, प्रतिगमन जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि जब पेरेंट्स बार बार बच्चा रो रहा है, बार बार बच्चा रो रहा है, ठीक है, उसको वो चीज नहीं दे रहे, ठीक है, तो रिग्रेशन की स्टेज आती है जिसमें हमें ये पता चलता है कि पेरेंट्स जो है वो बच्चे को इग्नोर नहीं कर रहे हैं लेकिन उसकी हैबिट को चेंज करने की ट्राई कर रहे हैं। बच्चा कितनी देर रोएगा, ठीक है, एक घंटा, दो घंटे, एक दिन, दस दिन, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, चुप हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिग्रेशन। नेक्स्ट है, बालक किस अवस्था में हंसता कम है और मुस्कुराता ज्यादा है, जिसका अर्थ है कि अपने संवेगों को नियंत्रित करना सीख जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सितंबर 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए मैंने बोला कि साइकोलॉजी इतनी आसान भी नहीं है कि हंसता कम है मुस्कुराता ज्यादा है। मुस्कुराने का मतलब है कि सिर्फ एक स्माइली फेस, और हंसने का मतलब कि जैसे हा हा करके हंसा, ठीक है, आवाजें उसने निकाली, तो दोनों में डिफरेंस है। तो आपको बताना कि कौन सी स्टेज है जहां पे वो बच्चा अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है। जैसे कि अगर हमें हंसना भी है लेकिन हम किसी की, जैसे किसी की डेथ हो जाती, वहां पे गए हैं और कोई एक ऐसी बात वहां पे हो जाती है, तो हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखते हैं। अगर कोई एक हंसने वाली बात भी अगर कोई बोलता है तो हम हंसते नहीं है वहां पे, ठीक है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखते हैं। तो वैसे ही जब बचपन में, ठीक है, छोटे लेवल की हम बात कर रहे हैं, तो बच्चे का कौन सी स्टेज है जहां पे बच्चा ये चीजें सीख जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा लेट चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर अवस्था यानी कि टीनेज हम जिसको बोलते हैं, एडोलोसेंस, ये किसके बीच होती है? कौन सी एज को, कौन से एज डिफरेंस को हम टीनेज या फिर एडोलेसेंस बोलते हैं? इसको तूफानों की अवस्था के नाम से भी जानते हैं, आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को आगे, वैसे क्वेश्चन आएगा भी। एडोलेसेंस 11 से 18, 13 से 16, 13 से 18 या फिर 17 से 20, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 13 से लेके 18 साल तक के बच्चे को जो है वो किशोर अवस्था यानी कि टीन एज कहा जाता है। जब 18 साल से आगे बच्चा चला जाता है तो उसको हम बोलते हैं एडल्ट। नेक्स्ट, ये आपका नवंबर 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ऊंची भावुकता, उत्साह और अवसाद की अवधि भावनाओं के निर्माण और मनोदशा के रूप में जाना जाता है। अब ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि मैंने खुद बनाया, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, अब जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा आपको आंसर भी देना पड़ेगा। जून 2019 का क्वेश्चन है, आपको बोला है कि ऐसी कौन सी स्टेज है जिसको इमोशनली, ठीक है, या फिर उत्साह अवसाद की अवधि भावनाओं के रूप में जाना जाता है, ठीक है, ओल्ड एज है, अर्ली चाइल्डहुड है, इन्फेंसी है, या फिर किशोर अवस्था है। तो इसका भी राइट आंसर आपके पास किशोर अवस्था रहेगा, जिसमें बच्चा 13 साल या 12 साल से लगभग 18 साल तक रहता है, ठीक है, इसमें ऊंची भावुकता यानी कि
हाई टेंडेड, ठीक है, उसकी ऊंची ऊंची ख्वाहिशें जो हैं वो होती हैं, ठीक है, उसका उत्साह उसके अंदर काफी होता है, ठीक है, जैसे जैसे एज आगे जाती जाती है उत्साह उसका हर किसी चीज में कम होता जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सभी किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं, जितने भी टीनेजर हैं उनको किस चीज का एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलेगा। सबसे पहला है कि बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव, कि बचपन में अगर कोई काम किया तो उनको डर होगा, तो ऐसा नहीं है। अब अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने 2-3 साल में जो काम किया होगा मेरे को वो याद ही नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन ए तो आएगा नहीं, मेरे को डर तो होगा ही नहीं। जो अभी लेटेस्ट कोई ऐसा अगर गलत काम किया तो मेरे को डर होगा। नेक्स्ट है आत्म सिद्धि का भाव, ठीक है, तो ये चीज जो है वो नहीं हो पाती है, ठीक है, आत्म सिद्धि का भाव नहीं होता, यानी खुद के बारे में हम उतना नहीं सोचते कि हाँ मैं ही हूँ सब कुछ, ठीक है, ऐसा भी नहीं है। जीवन के बारे में हम पूरी अपनी लाइफ के बारे में भी नहीं सोचते हैं, क्योंकि अभी एज ही कितनी छोटी सी है, किशोर अवस्था की बात कर रहे हैं। आगे है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, ठीक है, एंजाइटी या फिर कंसर्न विद सेल्फ, तो ये चीज होती है, ये किशोर अवस्था में होती है, एंजाइटी भी है बच्चों के अंदर आ जाती है, और उसके साथ साथ बच्चा खुद से भी क्वेश्चन वो करना स्टार्ट कर देता है, धीरे धीरे उसको डर भी लगना स्टार्ट हो जाता है। जून 2019 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडोलोसेंस, जिसको किशोर अवस्था बोलते हैं, ये एक यूनानी शब्द है, ठीक है, ये एक ग्रीक लैंग्वेज से एक वर्ड लिया गया है, एडोलोस्कियर, एडोलोस्कियर, इसका मीनिंग आपको बताना है कि इसका मीनिंग क्या है। सबसे पहला है कि मेजर ग्रोथ होना, विकास, सिर्फ बॉडी हाइट, बॉडी वेट या फिर नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन आपका फरवरी 2013 के एग्जाम में आर्ट्स के पेपर में आपसे पूछा गया था। तो किशोर अवस्था, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, किशोर अवस्था किस भाषा से लिया गया शब्द है, तो वो है यूनानी भाषा, यूनानी भाषा में एक शब्द है एडोलोस्कियर, वहां से जो है इसको हमने एडॉप्ट किया है, और इसका जो एक एप्रोप्रिएट मीनिंग है वो है मेजर ग्रोथ होना, परिपक्व विकास, यानी कि बच्चे को उस स्टेज तक पहुंचाना है जब तक इसकी ओवरऑल डेवलपमेंट ना हो पाए। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहचान निर्माण किया जाता है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं, कौन सी स्टेज में उसको बच्चा जो है अपनी आइडेंटिफिकेशन को बताता है। सबसे पहला है इन्फेंसी स्टेज में, सेकंड है बाल्य अवस्था में, चाइल्डहुड में, उसके बाद है एडोलेसेंस पीरियड में, किशोर अवस्था जिसको मैंने 13 से लेके 18 साल की अवस्था बोला, उसके बाद है वयस्क अवस्था में, यानी कि एडल्टहुड में। एडल्टहुड का मतलब होता है जिसमें बच्चा 18 साल से आगे चला जाता है। यहाँ पे पहचान, अपनी आइडेंटिफिकेशन बनाने की ट्राई कब करता है, यानी कि बच्चा ऐसा बताता है कि जो कुछ कर सकता हूँ वो मैं कर सकता हूँ, यानी कि टीचर के सामने जैसे वो बोलेगा कि जैसे टीचर बोलते हैं चेयर लेके आओ तो बच्चा सबसे पहले जाएगा, ठीक है, बोर्ड साफ करना है तो बोर्ड की तरफ सबसे पहले चला जाएगा, ठीक है, हमारे बचपन में भी ऐसी चीजें हुई हैं। तो पहचान कब बनने स्टार्ट होती है, तो ये होती है किशोर अवस्था में, जो एडोलेसेंस पीरियड है उसमें बच्चा जो है वो अपनी पहचान बनाना स्टार्ट कर देता है। ये आप देख सकते हैं नवंबर 2021 में आपसे पेपर में पूछा गया क्वेश्चन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था को तनाव और तूफान की स्टेज कहा जाता है, अभी मैंने आपको बताया भी था, ये तूफान की स्टेज किसको बोलते हैं, स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, ये कहा जाता है किसको, एडोलेसेंस को, किशोर अवस्था को। ये आपका 2019 में पेपर में पूछा गया क्वेश्चन था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एडोलेसेंस के काफी ज्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरस्रावी ग्रंथियों को और क्या कहा जाता है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उनको हम क्या बोल सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पे नर्व ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, उसके जनन ग्रंथियां, गोनेट ग्लैंड जिसको बोलते हैं, ट्यूबलेस ग्लैंड हम बोलते हैं, ठीक है, तो अंतःस्रावित ग्रंथियों को, एंडोक्राइन ग्लैंड को हम ऑप्शन नंबर सी, नलिका विहीन ग्रंथियां के नाम से जानते हैं, ट्यूबलेस ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ये सितंबर 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके नॉर्मली जर्नल साइंस में भी आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, जैसे आर्ट्स का एग्जाम है तो साइंस के भी 3-4 क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो वहां पे आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद नॉन मेडिकल में केमिस्ट्री के सेक्शन में, जीके के सेक्शन में पूछा जा सकता है। मेडिकल का अगर एग्जाम है तो उसमें एक तो बायो के सेक्शन में पूछा जा सकता है, उसके बाद साइकोलॉजी के सेक्शन में, और उसके साथ साथ जीके के सेक्शन में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज होम्योस्टेटिस शब्द किसके द्वारा दिया गया था,
ये किसने होमियोस्टेटिस बर्ड जो है वो दिया आपको बताना है। सबसे पहले एरिक्सन, फिर है कैनन, फ्राइड या फिर थॉर्नडाइक। आप देख सकते हैं कब कितनी बार पेपर में पूछा गया। सबसे पहले टेट आर्ट्स के पेपर में नवंबर 2019 में पूछा, उससे पहले जून 2019 में पूछा। आपको पता है एक साल में दो बार एग्जाम होते हैं, एक होता है जून में और एक होता है आपका नवंबर दिसंबर में। तो जो क्वेश्चन जून 2019 में पूछा गया वही सेम क्वेश्चन नवंबर 2019 में भी आपसे पूछा गया। इसका मतलब एक साल के क्वेश्चन भी बार बार क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ ये क्वेश्चन आपका फरवरी 2016 में भी आपसे पूछा जा चुका था। तो इसका राइट आंसर रहेगा कैनन। कैनन ने जो है वो सबसे पहले बताया था होमियोस्टेटिस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का, मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जानते हैं। ये तो आप सभी ने सुना होगा, मास्टर ग्लैंड के नाम से किसे जानते हैं। 2016-2013 का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी पिट्यूटरी ग्लैंड को जनरल साइंस का फेमस क्वेश्चन है। पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो ये आज की क्लास के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपके लिए लेके आया था। जल्दी ही नेक्स्ट क्लास के साथ मैं आपसे मिलूंगा जिसमें और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। So, एक स्पेशल ऑफर आपके लिए लगाया गया है नवरात्रि स्पेशल का, ये आप परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेशल डिस्काउंट आपके लिए ये दिया गया है, 400 प्रैक्टिस सेट आप परचेज कर सकते हैं, जिसमें अगर आप हिमाचल के किसी और डिफरेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। और साथ में अगर आप टेट नॉन मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ और जीके की आप प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। अगर आप आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर और जीके के प्रैक्टिस सेट को आप परचेज कर सकते हैं। ये 400 प्रैक्टिस सेट सिर्फ और सिर्फ आपको 199 रुपीस में आपको मिलेंगे। अगर आपको सेपरेट कोई अगर प्रैक्टिस सेट लेना है, जैसे सिर्फ जीके ही आपको लेना है, तो आपको सिर्फ 49 रुपीस में आपको जीके का प्रैक्टिस सेट, जिसमें 100 प्रैक्टिस सेट आपके होंगे, वो आपको यहाँ पे विजयपथ एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप परचेज करना चाहते हैं आप हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं, हमारे स्टोर के ऊपर जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं, या फिर इस नंबर के ऊपर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि किस तरीके से हम इस प्रैक्टिस सेट को एनरोल करें, किस तरीके से आप इसको परचेज करें। तो ये आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे क्लास को एक बार शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, और जल्दी ही नेक्स्ट क्लास के साथ मैं आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल। Oh, 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 oh